नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस के लिए ये सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, आप खुद से इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। कुछ पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट, और कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके लिए आगामी एग्जाम्स में यूपी टेट, एच टेट, सी टेट, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, पीआरटी हो चाहे, तो फ्रेंड्स इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही काम आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन एच टेट में पूछा हुआ है 2013 में। ये है फ्रेंड्स, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। फ्रेंड्स, मच्छरों के बारे में सी टेट में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मादा मच्छर के बारे में, हमेशा मादा मच्छर ही रक्त चूसने का कार्य करती है, और ये वो ये कार्य क्यों करती है, उसका आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ऑप्शंस में से आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे आप। मलेरिया फैलाने के लिए, मच्छर को ये नहीं पता होता कि मलेरिया क्या होता है, वो मलेरिया फैलाने के लिए नहीं काटता है। फ्रेंड्स, आप खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन की। संक्रमण फैलाने के लिए, तो फ्रेंड्स संक्रमण का मच्छर को पता ही नहीं होता, वो इस कार्य के लिए नहीं काटेगा आपको, या अपना जीवन बचाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि ये ऑप्शन सही होता तो नर मच्छर भी काटता जीवन बचाने के लिए। यदि मच्छरों को जीवन बचाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती तो नर मच्छर भी काटते, तो ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। और इसका सही ऑप्शन है अंडे देने के लिए, इसी कारण मादा मच्छर काटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दूर स्थित दो शहरों के बीच परिवहन के लिए तीव्रतम साधन कौन सा है इनमें से। फ्रेंड्स, आप खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए इन क्वेश्चनों का। तो फ्रेंड्स, 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। ये है फ्रेंड्स हवाई जहाज, यानी एरोप्लेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल का पूरा नाम बताना है आपको, ईमेल की फुल फॉर्म। चारों ऑप्शंस में से जल्दी से छांट कर बताइए कौन सा सही जवाब रहेगा इसका। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी 81 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है। एच टेट में पहले पूछा हुआ 2013 में क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, चारों ऑप्शंस में से सही जवाब बताइए आप। 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब रहेगा मधुबनी। मिथिला लोक चित्रकला का संबंध लोकप्रिय नाम है मधुबनी, और मधुबनी है बिहार का एक जिला है जिसके नाम पर इस चित्रकला का नाम रखा गया है। और फ्रेंड्स, मधुबनी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का, नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण ये पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स सी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के आधार पर आप बताइए कि कौन सा इनका, इसका पहले तीन ऑप्शंस के आधार पर ही बताइए कौन सा तरीका अच्छा है। 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सब्जियों का अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो फ्रेंड्स, पहले से काटने के बाद यदि धोएंगे तो उनमें से विटामिन्स वगैरह नष्ट हो जाएंगे, वो सब्जियां किसी काम की नहीं रहेंगी, तो ये बेस्ट तरीका रहता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग कौन सा है। फ्रेंड्स, चार ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप बताइए कौन सा सही रहेगा। 2 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मनाली ले राजमार्ग। मनाली ले राजमार्ग सबसे ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है भारत में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स सी टेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और फ्रेंड्स, ये है बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फ्रेंड्स, सी टेट में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन जो 10-10 बार रिपीट हुए हैं उनको मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, जो कि सी टेट के प्रीवियस एग्जाम्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित पार्ट 1 का वीडियो है, 3-4 पार्ट उसके डाले थे मैंने। तो फ्रेंड्स, ये है बीज बोने और अंकुरण के विभिन्न, आप ऑप्शंस में से पहले तीन ऑप्शंस में से बताइए कौन सा सही रहेगा आपके लिए। 3 सेकंड का टाइम है।
तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, न कि उनके फोटो वगैरह दिखाने से काम नहीं चलेगा। यदि बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से अंकुरित बीजों को उनके चित्र वगैरह बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको अंकुरित बीजों को ही दिखाना पड़ेगा प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दही से मक्खन निकालने की विधि है, चारों में से कौन सी है दही से मक्खन निकालने की विधि? आपके लिए 2 सेकंड का टाइम मिलता है, इसका जवाब दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मथना। ये दही से मक्खन निकालने की विधि है। और अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ये देखते हैं, इजी से क्वेश्चन है, पर्यावरण में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कौन सी है फ्रेंड्स इनमें से सही जवाब? चारों में से सही जवाब सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी छानना, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह धागा जो पौधे व जानवरों से मिलता है, तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके लिए, इनमें से सेलेक्ट करके बताइए। पौधे व जानवरों से यानी प्राकृतिक रूप से मिलता है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी प्राकृतिक धागा, नेचुरल। तो नेचुरल वे में इसे प्राप्त करते हैं पौधे एवं जानवरों से, तो ये धागा प्राकृतिक धागा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये है वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो वो पदार्थ होगा किस तरह का पदार्थ होगा वो? चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके लिए, तो फ्रेंड्स वो होगा शुद्ध पदार्थ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस सी टेट एग्जाम्स में पूछा हुआ, सी टेट के एग्जाम के क्वेश्चंस लगातार रिपीट करता है सी टेट। अगला क्वेश्चन, बार्टलो तोलकों को प्राय ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार खाने की आवश्यकता होती है जो खालिस्तान से भरपूर हो, तो वेट लिफ्टर जो होते हैं उनको अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए किस तरह का आहार, कौन सा सप्लीमेंट चाहिए सबसे ज़्यादा चारों में से? फ्रेंड्स इसका आंसर आप सोच कर बताइए, सबसे ज़्यादा बॉडी मास बनाने के लिए किस आहार की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर रहेगा प्रोटीन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रोटीन की आवश्यकता होती है ज़्यादा बॉडी मास बनाने के लिए। आप सप्लीमेंट्स में देखते होंगे ज़्यादातर प्रोटीन के सप्लीमेंट मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? चार तरीके दिए गए हैं, चारों में से सोच कर बताइए भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यातायात संबंधी नियमों को कठोरता से लागू करना, न कि राजमार्गों को चौड़ा करना और यातायात संबंधी नए नियम, ये तो बिल्कुल ही बोल्ड डिसीजन रहेगा। फ्लाईओवर बनाना, फ्लाईओवर पहले से बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, और राजमार्ग जितने चौड़े हो सकते हैं उतने कर रखे हैं, जो नियम है उन्हीं को सख्ताई से लागू करेंगे तो ये नियंत्रित। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सी टेट में इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन काफ़ी दिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से पढ़े, मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन। मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियाँ हैं, उनमें से मीरा समोसे कैटलेट डबल रोटी खाना पसंद करती है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी, ये पूछ रखा है कॉमेंट्स में से, सही जवाब इनमें से छाँटना। और फ्रेंड्स जबकि एक और लड़की है दिव्या नाम है उसका, उसको ऐसा भोजन पसंद है जिसमें लौह तत्व की यानी आयरन की कमी है, तो इन दोनों को कौन कौन सी बीमारियां होंगी, मीरा और दिव्या को कौन कौन सी बीमारियां होंगी, ये ऑप्शंस में से आपको छांट कर बताना है जल्दी से। तो फ्रेंड्स एक तो बर्गर वगैरह ऐसी फैट वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाती है, तो उसको होगा मोटापा, और दूसरी को जिसमें जो आयरन नहीं खाती है तो उसका होगा एनीमिया, यानी दोनों को मोटापा और एनीमिया जैसे रोग हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 का फ्रेंड्स, ये है चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है भारत में, हरियाणा टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन 2013 में,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। चांगपा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स इसके, लद्दाख है, मणिपुर है, असम है या फिर सिक्किम। तो फ्रेंड्स बताइए चांगपा जनजाति चारों में से कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब रहेगा लद्दाख। लद्दाख में चांगपा जनजाति पाई जाती है। लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर में है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत देश का। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए आज का क्वेश्चन आपसे रहेगा, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है, चारों ऑप्शंस में से छांट के आपको बताना है किस में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मिलता है, और अगले वीडियो में अपना नाम शामिल। और एक और क्वेश्चन आपके लिए साइंस से संबंधित आज का रहेगा कि भोजन में किस तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है? कौन सा तत्व है उसकी कमी के कारण भोजन में एनीमिया रोग हो जाता है? और फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और फ्रेंड्स पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आरबीसी का लाइफ स्पेन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का फ्रेंड्स जीवन काल होता है 120 दिन का। और मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। और फ्रेंड्स यही क्वेश्चन पूछे थे मेनली आपसे। सबसे पहले कमेंट किया, सबसे पहले सही जवाब दिया है सोम गुज्जर ने, उसके बाद धनुष दारी है महाराजगंज यूपी से, फिर हैं सन्नी मदान, उसके बाद संजीव कुमार हैं, अजय कश्यप हैं, संदीप कुमार हैं, फिर हैं पूजा यादव के मैसेजेज हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और सी टेट में 6 बार पूछे हुए क्वेश्चनों के वीडियोज़ भी ये देख लीजिए। उसके बाद हैं सुधीर सिंह हैं, सुधीर सिंह के मैसेजेज हैं, फिर हैं लवकुश कुमार। तो फ्रेंड्स 2 दिन में जितने भी दोस्तों ने सही जवाब दिए उन सभी के नाम मैंने शामिल कर लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।